हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल की लड्डू। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन ये हर घर में बनाई जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, सबसे पहले मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है आधा किलो देसी घी, आधा किलो पिसी हुई चीनी। ये मार्केट में इजली अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रही है तो आप चीनी को लेकर मिक्सर में पीस सकते हैं बारीक। ये मैंने लिया है 1 किलो आटा, मूंग दाल का आटा है ये। इसको भी अगर आप घर में बनाना चाहे तो धुली हुई मूंग दाल को लेकर हल्का सा भून कर तब बारीक इसको पीस लीजिए। और ये मैंने लिया है 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और ये चिरौंजी। फ्रेंड्स, चिरौंजी इसमें बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को कुछ छोटे टुकड़ों में काजू और बादाम को काट लूँगी और साफ कर लूंगी। इसको बनाने के लिए मैंने ये एक बड़ी कढ़ाई लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले गैस ऑन करके देसी घी डालूंगी। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना सारा मूंग का आटा डाल देते हैं। ये मैंने 1 किलो मूंग का आटा डाला हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाकर हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। अभी थोड़ी देर में ये खुदी घी छोड़ देता है। इसे ऐसे फैला फैला कर भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसे कुछ दबा दबा कर भूनना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े। ऐसे इस तरीके से दबाते चले और लगातार चलाते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, जब इसमें से सोनी सोनी खुशबू आने लगे तब जान लीजिए कि हमारा ये भूनकर तैयार है। अभी हमारे ये थोड़ा कच्चा है, इसमें से अभी खुशबू नहीं आ रही है, इसलिए अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा लड्डू भूनकर तैयार हो गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सोनी सोनी। अब बस अब हम इसे उतार लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये लाल हो चुका है। इसे हम किसी थाली में निकाल लेंगे। अब धीमी आंच पर हम थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी डालकर हल्का सा अपना निवार कर लेंगे। बस हम इसे 2 मिनट की भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अपना ये मिक्सचर डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसको। फ्रेंड्स, मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी ये तब भी गर्म है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम खाना पसंद है चीनी तो आप कम डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी ऐड की है। एक बार फिर बता रही हूँ, आप चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसका छोटा छोटा लड्डू बांध लेंगे और मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो
फ्रेंड्स, हमारा ये मूंग दाल का लड्डू बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।